इन्होंने लिया, लेकिन रजा भाई ने भी खुद फरमाया कि जो चमकती दमकती पेशानी मैंने देखी थी वो कैमरे में भी नहीं आई। ये खुद इन्होंने मुझे बताया कि जो चमकती दमकती, क्योंकि इस्लाम भाई ने भी इससे पहले ये सारी चीजें मुलाहजा की थी, लेकिन चूंकि ये सब मामला हमें जितनी इजाजत मिली उसके बाद जो रजा भाई ने देखा, ये आपने देखा, वो मंजर आपने देखा, अमीर अहले सुन्नत का फिर फोन, इससे पहले जो मंजर दिखा, इससे पहले तशरीफ लाया, अमीर अहले सुन्नत ने ही ऐलान किया कि इन्हें वो कैमरे में जो मंजर बंद किया गया वो मंजर दिखा। अमीर अहले सुन्नत अरब अमारात से उन्होंने फोन किया, जाहिर है कि एक इनका मदनी बेटा का रूहानी बेटा और उसके साथ इतना मतलब कि एक वाज मामला हुआ, और सारे तीन साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजार शरीफ में इनका मामा चेहरा हाथ सब कुछ देखने वालों ने देखा, और जो हमारे कैमरे ने बंद किया वो अभी आपने भी मदनी चैनल पर देखा। इनके एक अपने जज्बात थे और उन्होंने अपने फोन करके इस शुरका इज्तिमा से, शुरका जो वहां जमा थे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफले की नीयत भी करवाई। वह देखिए नीयत का मंजर, ये इस्लाम भाई ने हाथ उठाकर काफिले की नीयत, ये सारे वहां इस्लाम भाई जमात है जिन्होंने ये तदफी, ये अपने कब्र की मरम्मत का जो मंजर देखा। तो हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि इस तरह ये जो भी हमने मंजर देखा, जो कब्र कुशाई का मामला हुआ, और फिर अमीर सुन्नत ने वहां जो बयान किया कि ये बरजख का मामला होता है, और बरजख के मामले ये पर्दा होता है, इसमें किसी को क्या नजर आता है, किसी कुछ भी, क्योंकि पर्दा है, जिस पर जो पर्दा उठे, ये सारी बातें अमीर सुन्नत ने बयान की। पहले वालों ने भी कुछ देखा, किसने कुछ देखा, किसने कुछ देखा, हो सकता है किसी कुछ भी नजर ना आए, किसी को बहुत कुछ नजर आए। तो एक शरीयत के दायरे में रहकर हुक्म शरीयत के मुताबिक, एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? देखिए, एक तो है कि बाज़ औक़ात SMS जो चले थे उसमें बार बार कब्र कुशाई का लफ्ज जो है वो मैसेज एक दूसरे को किया गया, और लोग भी समझ रहे थे कब्र कुशाई होगी, लेकिन जिस तरह आपने पिछली जो है वो हकीकत बयान की कि कब्र इनकी पहले खुल चुकी थी और उसकी मुरम्मत ज़रूरी थी, तो शरई मसला यह है कि नबशे कब्र हराम है। कब्र कुशाई जिसको कहते हैं कि कब्र में तदफीन होने के बाद कब्र खोलना और मुर्दे को देखना, ये जायज़ नहीं, सिवाय हुकूकुल इबाद की बात सूरतें जिनके अंदर कब्र खोलने की इजाजत मिलती है। इसके अलावा किसी भी सूरत में मैयत को कब्र से निकालना, जिस तरह बाज़ लोगों में ये मशहूर होता है कि वो अमानतन दफनाते हैं और उसके बाद निकालकर किसी और जगह ले जाते हैं, तो अमानतन तदफीन करना फिर उसके बाद कब्र खोल के दोबारा निकालना, ये सब नाजायज़ है। तो कब्र खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन बारिशों में सिर्फ मुफ्ती फारूक साहब का मामला नहीं, बल्कि बीसियों फोन ऐसे आते हैं, दीगर मुफ्तियान कराम के पास भी आते होंगे, कि अक्सर कब्रिस्तान का हाल हमारे यहाँ मखदूश होता है और कब्रें बैठ जाती हैं, बास पक्की नहीं होती, कच्ची होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो अंदर धस जाती हैं। ऐसे मामले में अब शरई हुक्म क्या है, कई जो है वो पूछा जाता है, तो उसमें यही है कि जितना पर्दा रखते हुए कब्र की मुरम्मत हो सकती है तो उसकी मुरम्मत की जाएगी, जितना जाहिर हो गया है और कब्र खुल गई है उसको भी छुपाना वाजिब है। सईद आला हजरत ने फतावा रजविया शरीफ में आपसे एक सवाल किया गया कि एक कब्र खुल गई है और मुर्दे की कुछ आसार जो है वो मैयत के नजर आ रहे हैं, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि मुसलमान मैयत का सितर वाजिब है, मुसलमान मैयत का सितर वाजिब है, जो कुछ जाहिर हो गया उसका छुपाना लाजिम है। अब जितना जाहिर हुआ मुफ्ती फारूक अलैहि रहमा का और जो लोगों ने देखा मुख्तलिफ औकात में, जिस वक्त बारिश तेज थी और पानी अंदर गया उस वक्त की कैफियत कुछ और होगी, और जिस वक्त हम गए तो पानी चूंकि अंदर खुश्क हो चुका था और कैफियत ऐसी नहीं थी कि वो कब्र अंदर से पूरी खराब हो, और स्लिपें भी एक स्लिप टूटी हुई थी, बाकी एक स्लिप जो है वो टूटकर गिरने वाली थी, तो मैयत का सितर वाजिब है, इसलिए जो है वो मुरम्मत उसकी जरूरी हो गई थी। तो ये शरण जायज है कि अगर मैयत को अंदर रखते हुए उसकी मुरम्मत हो सकती है तो मैयत को बिला वजह छेड़छाड़ करना, उसको निकालने की कोशिश करना, पूरी कब्र को खोल देना, ये बिल्कुल इसकी शरण इजाजत नहीं। दिल में तो बहुत तरह तरह के ख्याल आते हैं, किसी भी मुसलमान मैयत के भी जो है वो एक हमदर्दी का इजहार होता है, फिर एक नेक साले शख्स हो, महबूब हो, जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो का मरकज हो, उसकी जब कब्र खुलती है, इसी तरह अजीज व अकारी में से बास की, किसी के वालिद की खुल गई, वालदा की खुल गई, तो ऐसे मौके पे एक दिल में जज्बात उठते हैं कि मैं बस किसी तरह इसकी बहुत अच्छी तरह मुरम्मत कर दूं,
तो आप गौर कीजिए कि कब्र का हाल तो वैसे ही कब्र कब्र होती है, वो मिट्टी का घर है और वो जिस तरह सबकी बनती है उसी तरह एक आम मुसलमान की बनती है या एक साले की भी बनती है, नेक हो या बद हो सबकी कब्रें बजाय बनाई एक जैसी जाती है। और शरण हुक्म यह है कि कब्र जब बन जाए तो उसके बाद दोबारा खोलना ये मुमकिन नहीं, अंदर कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह के आसार होते हैं। अब दिल में किसी के ये ख्याल आए कि इन्हें निकालना चाहिए, दोबारा गुसल दे देना चाहिए या इनके जो है वो सब चीज़ों की सफाई करनी चाहिए, तो इस तरह की सूरत हाल की भी इजाज़त नहीं। बल्कि फुका ने मसला यहाँ तक लिखा कि मैयत के जो गुसल होता है और दाढ़ी में और सर के बाल होते हैं, वो जाहिर बात है जब गुसल देंगे पानी वगैरह बहाते हैं तो वो बिखर जाते हैं। तो कोई अगर मोहब्बत में ये इकदाम करे कि जिस तरह मैयत जो है वो घर से बाहर जब जिंदा था तो निकलता था तो सर में बालों में कंघा करता था, दाढ़ी के अंदर कंघा करके अच्छा नजर आए इस तरह निकला करता था, तो आज अगर कोई अपनी मैयत के साथ ये मामला करना चाहे कि मरने के बाद भी मैं इसकी दाढ़ी में कंघा कर दूं, तो उलमा ने यहां तक लिखा बल्कि हदीस में ममानत है इसकी कि मैयत की के बालों में कंघा करना तक मना है, मैयत के बालों में कंघा करना तक मना है कि मैयत ये जीनत की चीज नहीं है, कि इसको तजीन और आयश नहीं बल्कि सादगी के साथ उसी सफेद कफन में मलबूस करके वही मिट्टी के ऊपर जो मिट्टी की कब्र होती है तो लिटाया जाता है। तो बहरहाल अंदर की कैफियत कब्रों की जो है वो मिट्टी वाली होती है। और शरण हुक्म यह है कि जितना जाहिर हो चुका है बरजख का मामला है, मरने के बाद से लेके आखरत तक की जो मंजिल है उसे बरजख कहते हैं, बरजख के माने आड़ है, रोक है, और गोया ये एक जहान जो आलम है दुनिया का, जिंदगी का और आलम आखरत इसके दरमियान की आड़ है, ये पोशीदा है, इसलिए बरजख कहते हैं, निगाहों के सामने नहीं होती। अल्लाह ताला जिसको जो चीज जाहिर करना चाहता है वो जाहिर होती है, और नेकों का हाल अच्छा ही जाहिर होता है, और इस जाहिर होने के अंदर एक ये कि मुसलमानों की ईमान को जो है वो तकवीत मिलती है। तो मुफ्ती फारूक साहब का भी जो हाल जितना कि पेशानी का हिस्सा नजर आए मामा शरीफ या बाल शरीफ जिन्होंने देखे और जो मूवी के जरिए भी नजर आता है, तो जितना हिस्सा नजर आने वाला था उतना ही देखा जा सकता था, वो भी हर एक को कब्र में उतरने की इजाजत नहीं दी जा सकती, एक आदमी उतर सकता था। तो इस तरीकाकार से उनकी मुरम्मत चूंकि मुमकिन थी और एक स्लिप निकालकर जो जैसा आप बता रहे थे तो ऊपर से स्लिपें डालने के बाद उनकी कब्र जो है वो इंशाल्लाह जो है अब जो है वो मुरम्मत कर दी गई, तो अब इम्कान नहीं है कि दोबारा जो है वो जल्दी कोई गिरने का खदशा नहीं। तो ये अमानत जो तदफीन होती है ये बिल्कुल जायज नहीं, बिल्कुल जायज। हमारे सदर शरिया हजरत अल्लामा अमजद अली आजमी रहमत अल्लाह ने बहार शरीयत में बरज़ख का जो बयान किया वो मैं अर्ज करता चलूं। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम, एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं, और ये इसमें मतलब आपने यहाँ क्योंकि ये मक्तबतुल मदीना के मतबूआ है, इस पर हाशिए का भी काम हुआ है, हवाला जात का भी काम हुआ है, तो सूरतुल मोमिनून पारा 18 की आयत नंबर 100 का यहाँ हवाला लिखा हुआ है, वमियू वरा इहिम बरज़खुन इला यौमी यबअसून। तर्जमा कंसोल इमार, और उनके आगे एक आर है इस दिन तक जिसमें उठाए जाएंगे, ये बरज़ख का यहाँ बयान है। मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम इंसो जीन को हस्बे मुरातिब उसमें रहना होता है, और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक भी है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से गरा। तो इस तरह ये बरज़ख का कुछ ऐसा बयान था। तो ये आलम बरज़ख का मामला है, किसको क्या नजर आता है, किसको क्या नजर आता है, बहुत पुरानी बातें हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर का एक वाकया है कि जब वो उहद के मकाम पर नहर खोदने का काम शुरू हुआ तो किसी मजदूर का वो औजार था, वो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजार शरीफ पर पड़ा, जिससे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो पांव मुबारक था उससे खून बहा, और बाकायदा लोगों ने देखा कि खून बहा। इसी तरह हजरत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी इसी तरह का मामला हुआ कि कब्र बदलने का वहां फिर हुक्म आया था और वो बरकतें जाहिर हुई। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिसम मुबारक दो मरतबा कब्र मुबारक से निकाला गया था, पहली मरतबा 6 माह के बाद निकाला गया तो वो इसी हालत में थे जिस हालत में दफन किया गया था। तो ऐसे कई वाकियात अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की मतबूआ मक्तबतुल मदीना की मतबूआ तसनीफ है।
कब्र खुल गई। ये आप देख लीजिए, इसमें इस तरह के कई वाकियात बयान किए गए, कब्र खुल गई।